टेलीस्कोप्स हमारी तीसरी आंख, जो हम मनुष्यों को ब्रह्मांड के अतीत में झांकने के काबिल बनाती है, और आप इसे विज्ञान के अभी तक के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में गिन सकते हैं। टेलीस्कोप्स के बिना हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते। टेलीस्कोप्स को आप आसानी से टाइम मशीन भी कह सकते हैं, जो हमें ब्रह्मांड के बनने के कुछ लाखों साल बाद से अभी तक के खरबों सालों के ब्रह्मांड का पूरा विवरण देती हैं। 1608 में जब गैलीलियो ने स्पेस टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तब उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हम इंसानी जाति को उन्नत सभ्यता बनाने में टेलीस्कोप्स का कितना प्रयोग करेंगे। टेलीस्कोप्स हमें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों की जानकारी देते हैं। समय के साथ ही, जैसे कि सभी फील्ड्स में डेवलपमेंट हो रही है, वो भी बहुत तेजी से, वैसे ही पिछले कुछ दशकों में टेलीस्कोप्स की टेक्नोलॉजी भी पहले से काफी एडवांस हुई है। हबल टेलीस्कोप इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप स्पेस साइंस से जरा भी लगाव रखते हैं, तो आप आइकॉनिक हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जरूर जानते होंगे। 1990 के दशक में लॉन्च हुए इस टेलीस्कोप ने न जाने कितनी खोजें की, न जाने कितने एक्सोप्लैनेट्स खोजे, जहां जीवन संभवत हमारी पृथ्वी की तरह पनप रहा हो। हबल टेलीस्कोप का योगदान अमूल्य है। इतना तो पक्का है कि अगर हबल टेलीस्कोप को लॉन्च नहीं किया जाता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आपको लग रहा होगा कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में अभी तक कुछ खास अचीव नहीं कर पाए हैं। ये सच भी है। हम अभी तक इंसानों को नजदीकी ग्रह मंगल तक नहीं भेज पाए हैं। आपका ये सोचना बिल्कुल सही है, पर अभी तो बस स्पेस एज की शुरुआत हुई है। पर शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती है किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए। शुरुआत ही सबसे कठिन होती है, और शुरुआत ही हमेशा याद की जाती है। आप आसानी से समझ सकते हैं, किसी इमारत का उदाहरण लेकर, अगर किसी इमारत की नींव ही मजबूत ना हो, तो भले ही आप कितने भी प्रयास कर लें, वो इमारत कभी भी ऊंची नहीं बन सकती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी, और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के इस एपिसोड में हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST के बारे में जानेंगे। स्पेस एज की शुरुआत बहुत उन्नत ढंग से हुई है। हम भाग्यशाली हैं। हमने सिर्फ 40 सालों के इस छोटे से सफर में वॉयजर्स को सोलर सिस्टम के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में भेज दिया। हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप को ऊपर, हम सभी से दूर पूरे ब्रह्मांड की निगरानी रखने के लिए भेजा, और बेशक हबल ने अकेले ही पूरी परिभाषा ही बदल डाली। हबल ने क्या क्या डिस्कवरीज की, और उन डिस्कवरीज का हमारे विज्ञान में कितना महत्व है, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ हबल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बस आपको 40-50 सालों की शुरुआत की कहानी संक्षेप में बता रहे हैं। ल्यूनर रेकोनेसेंस ऑर्बिटर ने चांद की पूरी 3D मैप बना डाली, और ऐसे ही कई सारे ऑर्बिटर्स और प्रोब्स ने हमें हमारे नजदीकी सेलेस्टियल बॉडीज की जानकारी दी। पर हम आम जिंदगी में अगर कहीं जाते हैं, तो पहले उसके बारे में दूर से ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तब प्लान बनाते हैं कि वहां जाना चाहिए या नहीं। ठीक इसी प्रकार स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। पहले वैज्ञानिक टेलीस्कोप्स की मदद से टारगेटेड ऑब्जेक्ट्स की खोजबीन करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाती है, और तब वो डिसीजन लेते हैं कि किसी भी मिशन को अंजाम देना चाहिए या नहीं। टेलीस्कोप्स का महत्व बहुत ज्यादा है। हम फिलहाल जहां नहीं जा सकते, वहां टेलीस्कोप्स की नज़र होती है। ये वास्तव में हमारी तीसरी आंख हैं। सन 1990 में लॉन्च हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप काफ़ी पुराना हो चुका है। 28 सालों के बाद भी हालांकि ये काम तो कर रहा है, पर हमने इन 28 सालों में काफ़ी उन्नति हासिल की है। हम नए टेलीस्कोप्स का आविष्कार कर पाए हैं। तो क्या हबल टेलीस्कोप से भी पावरफुल टेलीस्कोप के लॉन्च का समय अभी नहीं आया है?
वास्तव में समय आ चुका है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी तैयार है लॉन्च होने को। ये तैयार है ब्रह्मांड के शुरुआत के अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने के लिए। ये तैयार है आइकॉनिक हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेने के लिए। कई अनुमानित डेटा के मुताबिक वास्तव में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी कि JWST हबल से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। हम सोच भी नहीं सकते कि 100 हबल स्पेस टेलीस्कोप्स की ताकत के साथ ये विज्ञान की दुनिया में क्या क्या योगदान देने वाला है। नासा, ESA, CSA और CTSCL ने मिलकर इस टेलीस्कोप को तैयार किया है। इसे तकनीकी रूप से अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट से लैस किया गया है। JWST का प्रमुख कार्य होगा ब्रह्मांड के बनने के बाद के सबसे पहले ग्रहों और गैलेक्सीज का पता करके उन्हें स्टडी करना, जिससे हम ब्रह्मांड के शुरुआत से रिलेटेड काफी जानकारियों से पर्दाफाश कर पाएंगे। ये तो है JWST का मेन ऑब्जेक्टिव। हालांकि इस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक किसी एक्सोप्लैनेट या किसी स्टार सिस्टम की डायरेक्ट इमेजिंग कर पाएंगे। JWST का प्राइमरी मिरर गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम से बना है। इसका प्राइमरी मिरर 18 हेक्सागोनल प्राइमरी सेगमेंट्स को मिलाकर बनाया गया है, जिसका कुल व्यास 6.5 मीटर चौड़ा है। ये हबल की तुलना में काफी बड़ा है। हबल का प्राइमरी मिरर सिर्फ 2.4 मीटर चौड़ा है, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसे कितना एडवांस्ड बनाया गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ नजदीकी अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को ही डिटेक्ट करने में सक्षम है। वहीं JWST धुंधली पड़ चुकी रेड शिफ्टेड ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। JWST को ठंडा रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट्स दूर से आ रही इंफ्रारेड रेज को डिटेक्ट करेंगे, तो ऐसा न हो कि ये अपनी खुद की गर्मी की वजह से गलत इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने लगे। वैज्ञानिकों के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसा होने से बचने के लिए उन्होंने JWST के प्राइमरी मिरर्स और अन्य 4 इंस्ट्रूमेंट्स को सिलिकॉन और एल्यूमिनियम कोटेड कैप्टॉन से ढक दिया है। ये शीट्स उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को -220 डिग्री तक ठंडा रखने में सक्षम होंगी। JWST को मुख्य तौर पर नासा तैयार कर रही है। हालांकि इसे बनाने में कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा का साथ दिया है। इस टेलीस्कोप का नाम अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल और अपोलो प्रोग्राम के पार्ट रहे जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि JWST के बनने की शुरुआत 1996 से ही हो गई थी। हालांकि आर्थिक सहयोग न मिलने की वजह से इसके काम को कई बार रोकना पड़ा। फिलहाल नासा इसके इंस्ट्रूमेंट्स की टेस्टिंग कर रहा है और इसकी स्केड्यूल लॉन्च टाइमिंग बढ़ाकर 2021 कर दी गई है। चलिए अब हम बारी बारी से JWST के मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी कि NIR कैम। इस इंस्ट्रूमेंट का स्पेक्ट्रल कवरेज 0.6 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर्स का होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की टीम के द्वारा तैयार किया गया ये इंस्ट्रूमेंट नजदीकी वेव फॉन्ट सेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ यानी कि NIR स्पेक। ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल वही वेवलेंथ रेंज पर काम करेगा जिसपे NIR कैम बेस्ड होगा। इस इंस्ट्रूमेंट को ESA ने डिजाइन किया है। ये लो रेजोल्यूशन मोड पर भी काम कर सकेगा। हालांकि ये इंस्ट्रूमेंट्स 2 अन्य मोड्स में भी काम करेगा, पर इसका मुख्य उद्देश्य होगा वाइड लेंस इमेजेस कैप्चर करना। सरल भाषा में आपको इस इंस्ट्रूमेंट का काम बताएं तो ये सैकड़ों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का सिमुलेशन तैयार करने में सक्षम होगा। मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट यानी कि MIRI। ये इंस्ट्रूमेंट 5 से लेकर 27 माइक्रोमीटर्स की मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज पर काम करेगा। नासा के द्वारा तैयार किए गए इस इंस्ट्रूमेंट को ठंडा रखना भी बहुत चुनौती भरा काम होगा। इस इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर 6 केल्विन यानी कि -267 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे काम करेगा।
फाइन गाइडेंस सेंसर एंड नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ यानी कि FGS कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से तैयार किया गया। ये इंस्ट्रूमेंट 0.8 से 5 माइक्रोमीटर्स की वेवलेंथ रेंज पर काम करेगा। इसके साथ ही ये इंस्ट्रूमेंट इमेज स्टेबलाइजेशन की तकनीक से लैस होगा, जिससे हमें स्पेस वीडियोस बनाने के लिए हाई क्वालिटी स्पेस इमेजेस मिल पाएंगी। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में NIR कैम और MIRI स्टारलाइट ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट कोरोनाग्राफ्स तकनीक पर काम करेगा। ये तकनीक बेसिकली किसी स्टार से आ रही इरेगुलर लाइट वेवलेंथ को डिटेक्ट करके एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने से रिलेटेड है। अब बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट बस की। हम यहाँ पे किसी प्राइवेट या सरकारी और या फिर आपकी स्कूल या कॉलेज की बस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर बसेस की, जो कमांड कंट्रोल, डेटा कंट्रोल और अन्य कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशंस में काम आती हैं। JWST में लगा स्पेसक्राफ्ट बस एक प्राइमरी सपोर्टिव कंपोनेंट होगा। बेसिकली सारी कंप्यूटिंग यहीं से होगी, यहां तक कि पृथ्वी से कम्युनिकेशन भी स्पेसक्राफ्ट बस से ही की जाएगी। इसे आप JWST का सबसे प्रमुख कंपोनेंट कह सकते हो। ये काफी कुछ कंप्यूटर की CPU की तरह है। स्पेसक्राफ्ट बस JWST के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को साथ रखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसके अलावा JWST के दो और मुख्य एलिमेंट्स हैं, इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल यानी कि ISIM और ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट यानी कि OTE। स्पेसक्राफ्ट बस JWST के सन फेसिंग साइड में लगा होगा, यानी कि ये सूर्य की गर्मी के कॉन्टेक्ट में सबसे पहले आएगा। अच्छी बात यह है कि इसे सनशील्ड से अच्छी तरह से कोट किया गया है, जो इसके तापमान को 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखेगा। इन सभी के अलावा स्पेसक्राफ्ट बस JWST की मेमोरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट से लैस होगा। इसके कंप्यूटर पूरे टेलीस्कोप को कंट्रोल करेंगे, जिसमें स्टार ट्रैकर और सबसे प्रमुख जायरोस्कोप्स भी शामिल होंगे। अब जान लेते हैं कि ये शानदार टेलीस्कोप कब और कितने दिनों के लिए काम करेगा। नासा के मुताबिक इसकी लॉन्चिंग 30 मार्च 2021 को एरियन 5 रॉकेट से की जाएगी और इस टेलीस्कोप को कम से कम 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए बनाया गया है। लगभग $10 बिलियन की लागत से बनाया गया ये टेलीस्कोप न जाने क्या क्या खोजें करने वाला है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि नासा इसकी लॉन्च डेट को फिर से आगे न बढ़ाए। नासा ऐसा पिछले 10 सालों से कर रहा है। शुरुआत में इसकी लॉन्च सन 2007 में रखी गई थी और हाल में इसकी लॉन्चिंग 2018 में ही होने वाली थी, पर फंडिंग की कमी की वजह से इसके स्केड्यूल की लॉन्च डेट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। वैसे इसमें नासा की गलती कम और वहीं अमेरिकन गवर्नमेंट या फिर कहें तो पूरी दुनिया और हम सब की ज्यादा है। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमें मिलिट्री की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर बहुत कम पड़ेगी। अमेरिकन गवर्नमेंट हर साल मिलिट्री पे $550 बिलियन की फंडिंग करती है और वहीं नासा को देने के लिए सिर्फ $17 बिलियन। हम इंसानों की खासियत है क्यूरियोसिटी, जो हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाती है। हमने सिर्फ 40-50 सालों में इतना कुछ हासिल कर लिया, पर अनुमान लगाएं, अगर हम इन 40-50 सालों में अपनी पूरी पोटेंशियल यूज कर पाते तो क्या होता, हम आज कहाँ होते। वास्तव में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 1996 में ही लॉन्च हो गया होता और भी बहुत कुछ। खैर, इट्स नेवर टू लेट। हम उम्मीद करते हैं कि इंसान जैसा कि शुरुआत से करता आ रहा है वही करते रहेगा, यानी कि कल से और बेहतर होना। हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दिन पूरे यूनिवर्स पे अपना एम्पायर बनाएंगे और उससे इमोशनल और महान पल हो ही नहीं सकता। कईयों को ये साइंस फिक्शन लगेगा, जो सही भी है, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि किसी स्टोन एज के इंसान को क्वांटम कंप्यूटर दिखा दिया जाए। बस उसी प्रकार हमने शुरुआत की है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, हम बस इतना जानते हैं कि हम इंसान महान हैं। हमने वो किया जो शायद कोई और नहीं कर पाएगा। डर बस यही है कि इन सभी के बीच इंसानियत खत्म न हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च का इंतजार हम सभी स्पेस लवर्स को रहेगा।
हमारी टीम ने इस वीडियो को तैयार करने में कई दिनों का समय और मेहनत लगाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और सबसे अंत में, हो सके तो इंसानियत जो हमें इंसान बनाती है उसे प्रमोट जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।